कोरोना महामारी से कुछ राहत मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश में स्कूल खुलने के बाद डिग्री कॉलेज भी छात्रों के लिए खुल गए हैं। बात करें बिलासपुर की तो कॉलेज खुलने से पहले कॉलेज प्रबंधन ने कॉलेज परिसर से लेकर क्लासरूम्स को सैनिटाइज कर अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी, जिसके बाद कॉलेज पहुंचने वाले छात्रों का कॉलेज गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग कर उनकी डिटेल नोट करने के बाद ही क्लासरूम के लिए भेजा जा रहा है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के खुलते ही मास्क पहनने छात्र छात्राओं की भीड़ कॉलेज परिसर में देखने को मिली, जहां थर्मल स्क्रीनिंग के बाद छात्र अपने क्लासरूम की ओर जाते नजर आए। गौरतलब है कि एक सप्ताह में केवल 2 ही दिन हर स्ट्रीम के फर्स्ट सेकंड व थर्ड ईयर के छात्रों के लिए क्लासेस व्यवस्था की गई है, यानी सोमवार को फर्स्ट ईयर, मंगलवार को सेकंड ईयर और बुधवार को थर्ड ईयर के छात्र क्लास अटेंड कर पाएंगे। वही लंबे समय के बाद कॉलेज खुलने पर कॉलेज छात्रों ने खुशी जाहिर करते हुए आने वाले समय में रोजाना क्लासेस शुरू होने की उम्मीद जताई है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, काफी टाइम बाद हम कॉलेज आए हैं और कॉलेज को देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पढ़ाई किस तरह से हो रही है? पढ़ाई अभी तो लगेगा पता भी, कॉलेजेस खुले हैं। आप अपने साथियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है सभी को कि अभी वैक्सीन निकली ही है तो सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा रखें, बाकी साफ सफाई तो है ही। वहीं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के प्रिंसिपल रामकृष्ण ने बताया कि कोविड-19 को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने पूरी तैयारियां की हैं। कॉलेज परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व मास्क न पहनने वाले छात्र पर पैनी नजर रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की टीम का गठन किया जा रहा है, जो नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना करेगी। बच्चों में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ओल्ड और न्यू बिल्डिंग्स में 2 फ्लाइंग स्क्वाड्स कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें ओल्ड बिल्डिंग में प्रोफेसर जेपी जसवाल जी को कन्वीनर्स और डॉक्टर जीवेश नड्डा जी इसके मेंबर, डॉक्टर प्रियंका जी, डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर पूनम धीमान जी को इसके मेंबर बनाया गया है, तथा फ्लाइंग स्क्वाड कमेटी फॉर न्यू कैंपस के लिए प्रोफेसर अपर्णा शर्मा को कन्वीनर्स, डॉक्टर वासुदेव, डॉक्टर सुरेश शर्मा और प्रोफेसर सीमा कुमारी जी को इसके मेंबर्स बनाया गया। तो जो भी स्टूडेंट्स कमेटीज़ को लगेगा कि ये बिना मास्क से घूम रहे हैं तो उनके लिए ₹50 का फाइन जो है वो रखा गया हुआ है, और इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा कि हमारा जो डिसिप्लिन है वो पूरा मेंटेन रहे। और दूसरा, मैंने दोनों बिल्डिंग्स में जाके खुद घूमा हूँ आज, ओल्ड और न्यू कैंपस में, और मैंने सभी को ये कहा हुआ है कि जो भी हमारे यहाँ पे LA हैं, GLAs हैं, सभी की ड्यूटीज़ जो है वो लगा रखी है आउटसाइड में, कि कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो बाहर नहीं घूमेगा। अगर स्टूडेंट्स आए हुए हैं तो कमरों के अंदर ही सोशल डिस्टेंसिंग से बैठना पड़ेगा, सैनिटाइज अपने आप को करना पड़ेगा और मास्क का जो है वो उसको लगाना पड़ेगा। जैसे कि कॉलेजेस खुल गए हैं सभी, तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेजेस में आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजेशन के डिसिप्लिन करने के लिए आज वहाँ पे दोनों गेट्स के ऊपर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है, हैंड को सैनिटाइज किया जा रहा है स्टूडेंट्स को। तो अगर हमें लगता है कि किसी स्टूडेंट्स का अगर टेम्परेचर 98 से अबव आता है तो उस स्टूडेंट्स को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उसको वापस भेजा जा रहा है।